इतने सालों से एमएस पिट्टा लड़ रहा है, क्या खालिस्तान बनने दिया? आईएसआई और बाजवा के लिए अकेले एमएस भिट्टा काफी है, बाकी किसी की जरूरत नहीं है, पता है आप लोगों को। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं दिन की सबसे बड़ी बहस महाभारत। महाभारत में आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान पहले कश्मीर में युवाओं को भड़काकर आतंकी बनाता था और भारत उसे मुंहतोड़ जवाब देता रहा है। उसी तरह पाकिस्तान अब दूसरी साजिश, खालिस्तानी साजिश रच रहा है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में लोगों को भड़काकर, सिखों को भड़काकर खालिस्तान की आग जलाना चाहता है। भारत इसका भी कड़ा जवाब देगा। तो आतंकिस्तान की खालिस्तानी चाल पर होगी आज की सबसे बड़ी बहस। तो रिपब्लिक भारत सीधे सीधे ये पाकिस्तान से कह रहा है और पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि हिंदुस्तान को तोड़ने की जहन में अगर ख्याल भी आया तो इसका ऐसा जवाब मिलेगा कि पुश्तें याद रखेंगी। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सरदार आरपी सिंह जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट, मनजिंदर सिंह सिरसा जो शिरोमणि अकाली दल के नेता है, एमएस बिट्टा जो कड़ा जवाब देंगे पाकिस्तानी मेहमानों को भी, रमनीक मान पॉलिटिकल एनालिस्ट, जब्बार चौधरी जो कि पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पत्रकार है, आरजू काजमी पत्रकार है, राजा फैजल वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी से हम बात करेंगे। ये हिंदुस्तानी नेताओं का इंटरव्यू आप विदेश में क्यों करते हैं? यहां बतेरे हिंदुस्तानी नेता हैं, बिट्टा साहब यहां मौजूद हैं, सिरसा जिनका आप नाम ले रहे हैं शिरोमणि अकाली दल का, उनके नेता भी हैं। ये है कि आप उन पे सितम ढाते हैं। हाँ, आप उन पे सितम ढाते हैं। सितम तो वहां ढाते हैं निकाले जाते, जहां आपके पाप और कर्म नापाक होते हैं वहां हमारे सितम होते हैं। बिट्टा साहब जरा इनको जवाब दीजिए। ये पता नहीं कौन से शिरोमणि अकाली दल के नेताओं से बात कर रहे हैं, ये इन्हीं के पाले हुए जो नेता हैं उनसे बात कर लेते हैं दरअसल, जिनको ये पैसा भेज रहे हैं। सुहेल जी, बिट्टा साहब को बोलिए। सुहेल जी, पहली बात तो आपको बताऊं, हम आपके पास बैठे हैं, इनको जो कहना कहे, जब हम आपके नहीं, जब हम बोले आपके तो फिर ये ना बोले। राजा फैजल बचाइए, बचने के लिए बिट्टा साहब गर्म हो गए तो पता नहीं क्या करेंगे। बिट्टा साहब बोलिए, मेरी बात सुनिए, मैं इतिहास गवाह हूँ बचपन का, मेरा बचपन, मेरी जवानी अस्पतालों में निकली, खालिस्तान न बनने दिया, न बनेगा, न बनने देंगे। पहले भी गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों से गुजर के चला गया, इंडिया की तहसील, ये खालिस्तान बनाएंगे हमारे से भागे हुए यूथ से जाके पूछे, पंजाबी यूथ से जाके पूछे, आप पूरे पंजाब को रिप्रेजेंट नहीं करते, आप खालिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते। बिट्टा साहब अपने पास रखे हैं, इनको पूछना चाहता हूँ। और बिट्टा साहब, मेरे राजा साहब सुनिए, बिट्टा साहब को सुनिए, राजा फैजल सुनिए, बिट्टा साहब पूछना चाहता हूँ। जब हमारे भरे जाते हैं, जब तक आपके आपकी आवाज नहीं आ रही, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ बिट्टा साहब। अरे अरे, यूके की एम्बेसी को हजारों सिखों ने घेर लिया था पन्नू के ऊपर, उस वक्त कहाँ थे आप? कौन थी खालिस्तान की बात करते हैं, कौन सी खालिस्तान की बात करते हैं? खालिस्तान तो बना था, ना बनने देंगे, याद रखना। आप गलत फहमी की बात करते हैं, कुछ आप कौन सी बात, कौन सी खालिस्तान की बात करते हैं आप? अरे अरे, आगे 25-30 साल से लगे पकड़े किया, 84 के दंगे रहने के बाद के दंगे इंदिरा गांधी ने करवाए थे, 84 बेगुनाहों का कत्लेआम किया। आप पंजाब के अंदर आपने आपने के 47 भेजे, आपने रॉकेट लॉन्चर भेजे, आपकी गलतियों से प्रिंटर नेचर हुआ, जब्बार चौधरी आपकी गलतियों से बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, आप खालिस्तान की बात करते हैं? जब्बार चौधरी, आरजू काजमी, राजा फैजल, मैं कर ही नहीं रहा। राजा सुनिए, आपके लोगों को ठोका हमने, गलतफहमी में है आप। बेटा साहब रुकिए, 50 लोगों की बात करते हैं। रमनीक कुछ कहना चाह रहे हैं, इनको चुप कराइए। आईएसआई और बाजवा के लिए अकेले एमएस भिट्टा काफी है, बाकी किसी की जरूरत नहीं है, पता है आप लोगों को। आप ऐसे ही डर जाएंगे जैसे कि हमने मारी थी, आप ऐसे ही डर जाएंगे, इसका बहुत अच्छे तरीके से पता है। बिट्टा साहब ने बहुत अच्छे तरीके से वो देखा था
और आज बिट्टा साहब को मैं ये बता दूं कि बिट्टा साहब अपनी अरे अरे याद करो याद करो 93 में जब आईएसआई ने मेरे पे बमरात किया था, आपके बॉर्डरों को घेर लिया था, मैंने याद करो आईएसआई से रिकॉर्ड निकालो मेरा, याद करने 2 लाख की भीड़ में क्या हुआ, तुम्हारे वहां का बॉर्डर में लेके चला गया था 2 लाख की भीड़, क्या कहते रेंजर आपके, याद करके क्या कहते थे खालिस्तानी वहां पे, बिट्टा को खालिस्तान के मुर्दाबाद के नारे बंद करे नहीं तो गोली चलाएंगे, मेरी 2 लाख की भीड़ ने कहा था अरे तुम्हारे लोहे का गेट तोड़ते तुम्हारे लाहौर में तिरंगा झंडा लहराएंगे, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएगी, आईएसआई का रिकॉर्ड निकालो 93 का, तुम्हारा जम्मू कश्मीर बॉर्डर, तुम्हारा जमुना गंगानगर बॉर्डर, जन्म दिया उस माँ का दामन नोच दिया तो वो पाकिस्तान है, हमारे से निकला हुआ पाकिस्तान आज हमें तो क्या देता है, उनको वापस लाने के लिए कुलतेज सिंह देखा, कुलतेज सिंह रेफरेंडम सीमेंट में काट काट के मारा, कोने छोड़े हाल स्कॉटलैंड वो था सरदार पंजाब का गुरतेज सिंह, ये पंजाब की फौज है, गलत फहमी है आपको, सुन लो अरे बड़ा देखा आपको, आपको 30 साल से मैं देख रहा हूँ करके आगे मैं राजनीति नहीं करता, मैं देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ आपको, अकेला देखता हूँ आप, आज तो सबको इकट्ठा कर दिया इस चैनल पे, आपकी गंदगी ने आपकी गंदी सोच ने सबको इकट्ठा कर दिया, ऐसे कभी एक नहीं हुए, और तंग करो कोविड और छेड़ो हो जाएगा, कहा था ना करतारपुर साहब लेके रहेंगे वक्त जल्दी आएगा, अभी छेड़ो अभी छेड़ो मनजिंदर सिंह, अरे चार तट्टू वहां पाले हुए पाकिस्तान में, एक चावला अपनी कौम दे गद्दार, एक चावला एक पप्पर एक पंजवर, ये सिख है ही नहीं, ये सिख कौम के दुश्मन है, लाओ मेरे सामने मैं इनको देखता हूँ, लाओ मेरे सामने आप पूरे के भाग कर नहीं बड़ी आसान आसान होती है, लाओ सामने गैरतमंद बने आतंकवादी छुपाए हुए दिखाएं, जब ननकाना था आपकी कहां थे आप खड़े हो जाके बताइए कहां थे आप, जब ननकाना था आपकी बेअदबी हुई कहां थे आप, आपके सामने हमारे गुरुओं का अपमान किया गया, उसका फर्ज किया, उस वक्त कहां थे आप, कहां थे आप, बोलिए उनके साथ जो भाईचारा पाकिस्तान में वो हमारे साथ बड़े अच्छे दोस्त है, हमारे हमारे साथ वो बड़े अच्छे दोस्त है, हमारा आपके साथ तो फटे चार पाले हुए दोस्ती है आपके तो फटे ही नहीं, हिंदुस्तान की भाईचारा आपने पाल रखे, नेहरू ने क्या कहा, सुनिए 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 सुनिए, रुकिए बिट्टा साहब रुकिए प्लीज, बिट्टा साहब राजा फैसल रुकिए जरा, आपको मालूम है कि खालिस्तान की बहुत पुरानी एक मूवमेंट चल रही है और अब ये जरा जोर पकड़ गई, जोर नहीं पकड़ रही, वो आपके चार पाले हुए ना, ये जोर वोर नहीं पकड़ रही, सुनिए आरजू, अरे अरे मैं गवाह हूँ इस चीज का, आरजू मैडम मैं गवाह हूँ इस चीज का, आप वीक हो गए हैं तो खालिस्तान, मैं गवाह हूँ इस चीज का, बिट्टा साहब आपको खालिस्तान को भी संभालना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे आप पहले इनकी आवाज बंद कराइए, ना तो ये चर्चा था आपकी बात सुनने को तैयार है ना किसी और की, तो क्यों बनाते रीजन बताए ना, मेरी बात ऐसा है सुनिए सुनिए, मैं आरजू जी 2 मिनट चुप कीजिए, 2 मिनट चुप कीजिए बेटा साहब, 2 मिनट चुप कीजिए, मुझे ये बताइए इतने सालों से MS बिट्टा लड़ रहा है, क्या खालिस्तान बनने दिया, कांग्रेस बीजेपी अकाली दल CPM CPI हर व्यक्ति ने कुर्बानी दी, खालिस्तान नहीं बनने दिया, और बार बार ये कहा खालिस्तान बना तो पहले की तरह गंदी हनेरी की तरह हमारी नाकों से गुजर जाएगा, ये आपको करके बता दें, खालिस्तान कोई मुद्दा नहीं है, अरे पहले ये बता दें कि आपने ननकाना साहब जब बेइज्जत हुआ आप कहाँ खड़े थे, हमारे गुरुओं का अपमान हुआ आप कहाँ खड़े थे, हमारे से निकले हुए भगोड़े हिंदुस्तान थे उनको आपने पाला हुआ है, उनको आप रोटी खिलाते हैं, उनको आप भड़काते हैं कि पंजाब में तो हिंदुस्तान राजा फैसल कुछ है, राजा फैसल क्या आप ये चाहते हैं
कि दिल्ली में दिल्ली रकाबगंज पकड़ा था पासपोर्ट के जरिए जाए बेटा। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, रेफरेंडम की बात हुई ना कि पाकिस्तान के पंजाब में रेफरेंडम होना चाहिए, ठीक है हम हाजिर हैं, पाकिस्तान के पंजाब में अगर आप रेफरेंडम करवाना चाहते हैं तो यूनाइटेड नेशन आके करवाए, इंडिया शॉक पे होगा, पंजाब में खालिस्तान के बिट्टा साहब रुकिए जरा, बिट्टा साहब रुकिए जरा, राजा फैजल जो कुछ कह रहे थे, राजा फैजल एक मिनट बिट्टा साहब रुकिए जरा, बिट्टा साहब रुकिए, राजा फैजल अब पंजाब पाकिस्तान के पंजाब में राय शुमारी होगी, पाकिस्तान के लाहौर में राय शुमारी होगी, पीओके तो हम लेकर रहेंगे, लेकिन आपको यह भी बता दें कि हमारी तरफ आप आंख उठा के देखेंगे तो जो 71 में हुआ था ना, मुझे लगता नहीं आप लोग भूले होंगे, अभी भी जब रात में सोते होंगे तो डरावने सपने आते होंगे आपको, वैसा ही होगा, वैसा ही बिट्टा साहब भाग गए नहीं है, आप तो आ रहे भगाने, बिट्टा साहब तो खदेड़ दिया आपको, बहुत अच्छा भाग गए, बिट्टा साहब भाग गए। देखो मैं आपको कहूं, हमारे बीच में दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक के प्रेसिडेंट मनजिंदर सिंह सरसा जी बैठे हैं, इनकी आवाज को बंद कीजिए, हमने बोल लिया, उनको बोलने का वक्त दिया, जिम्मेदार लोग हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनसे बोले, इनको ये बताना चाहता हूँ, कादमी जी को ये पूछना चाहता हूँ, जब ग्रंथी साहब की ननकाना साहब की बेटी को किडनैप किया था क्या आपने आवाज उठाई थी? मेरा एक ही सवाल है, जब ननकाना साहब बेइज्जत हुआ क्या आपने आवाज उठाई थी? ये सिरसा साहब को आगे कीजिए, जवाब दें और इनकी आवाज को बंद कीजिए। आपको पता नहीं वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हमारे जिम्मेदार एक व्यक्ति है, चुने हुए, इनको जवाब दें। रेफरेंडम की बात की, वो उनको करने दीजिए, रेफरेंडम क्या है, सिरसा साहब को आगे लाइए। सर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आवाज मैं उठाती हूँ माइनॉरिटी के लिए, सबसे ज्यादा शोज मैं करती हूँ माइनॉरिटी के लिए। अरे फिर आपने क्या किया, जब ननकाना साहब में जब ग्रंथी जी की बेटी को उठाया गया तो आप कहाँ थे, कादमी जी आप कहाँ थे, जवाब दीजिए, जब हिंदुओं की बेटियों का अपहरण होता है आप कहाँ थे, जवाब दीजिए, आपने उस वक्त क्या किया, क्या किया उस वक्त आपने? मैडम एक बात तो समझ लो, खालिस्तान न बना था न बनने देंगे, बार बार कह चुका हूँ, आप ये चावला जैसे कुंडे जो बने हुए हैं, राजा फैसल दिल निकालिए, राजा फैसल दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, आपके लिए सिर्फ यही है, लेकिन खालिस्तान को लेकर अगर आप ऐसी साजिश रचने की कोशिश भी करेंगे उसका भी करारा जवाब आपको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।